मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। दिनांक 2 जनवरी की घटना है। तो बजरंग सिंह नाम का जो एक कैशियर है मातृ छाया गैस एजेंसी में, जो मेल लिंक रोड पे है, उसने हमें सूचना दी कि मैं और उसका एक साथी यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,18,000 रुपये जमा कराने के लिए आ रहे थे गैस के, और हमें मेयो लिंक रोड पे जो गर्ल्स कॉलेज के गेट के पास में 2 बंदों ने, जिन्होंने नकाबपोश पहन रखे थे और उनके पास में स्कूटी जैसी एक एक्टिवा वगैरह थी, गाड़ी थी, रोका और मिर्ची डालकर लूटने का प्रयास किया। हमने संघर्ष किया और हमने पैसे तो बचा लिए। इस पे हमने 2 तारीख से तलाश शुरू कर दी थी। हर गली के आजू बाजू गली के राजा साइकिल, 9 नंबर और जितनी भी 15-20 गलियां हैं उनके हमने बैंक फुटेज, जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला। हमने करीब करीब हर गली के जो भी हमें मिले 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के CCTV फुटेज हमने लिए, उनको बहुत ही सघनता से देखा, गंभीरता से देखा। तो हमें कुछ एक स्कूटी नज़र आई जो कि बहुत ही कम पाई जाती है। तो हमने आसपास तलाश किया और हमें फिर हमने अपने मुखबिर भी छोड़े। तो हमने 2 मुलजिम हमने ट्रैक किए हैं, जिसमें एक धर्मेश कुमार है और एक नरेंद्र कुमार है। दोनों को हम पूछताछ के लिए लाए और बात पूछताछ उन्होंने घटना करना स्वीकार किया। ये दोनों बंदे पहले मात्र गैस छाया गैस एजेंसी में काम कर चुके हैं। करीब 1.5 साल पहले इन्होंने छोड़ा था, तो उनको सारी गतिविधियों का पता था कि कैश कौन ले जाता है, कब ले जाता है, कितना कैश होता है। तो इस वजह से इनको आइडिया था और उन्होंने लूट करने का प्रयास किया। धर्मेश अभी कुछ दिनों से आर्थिक संकट में चल रहा था, तो उसने ये योजना बनाई। सर कहाँ के रहने वाले थे ये? लोकली अपने अलवरगेट थाना क्षेत्र के रहने वाले। कोई आपराधिक रिकॉर्ड पर हैं? हाँ, अभी वो खंगाल रहे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड भी हम और उसके बाद ही पता चलेगा।